नमस्कार क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है क्या आप भी अपने मोबाइल से किसी को मैसेज के जरिए फोटो भेजना चाहते हैं क्या आप सीखना चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल से किसी को मैसेज से फोटो कैसे सेंड कर सकते या हैं यानी कि भेज सकते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर हैं मोबाइल पे आने के बाद मैसेज से किसी को फोटो भेजने के लिए सेंड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जहाँ से भी किसी को फ़ोटो भेजना है उस चीज़ को ओपन करना है तो चलिए हम सब हमको फ़ेसबुक से फोटो भेजना है तो यहाँ पर हम फेसबुक को ओपन करते हैं ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ से जिस भी फ़ोटो को भेजना है उसको सेलेक्ट कर लेना है फोटो सेलेक्ट करने के बाद उस फोटो को ऊपर में आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद आपको नीचे में कॉपी लिंक का ऑप्शन दिखेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ से आपको इसको कट कर देना है कट करने के बाद अब आपको फोटो भेजने के लिए आपको अपने फ़ोन में मैसेज ऐप को ओपन करना है तो चलिए ओपन करते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्टार्ट चैट का ऑप्शन दिखेगा तो आपको यहाँ पे जाना है जाने के बाद अब आपको जिसको भी भेजना है सिंपल यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर और नेम दिख जाएगा तो यहाँ पर आप जो भी नंबर सेव किए होंगे यहाँ पर दिखने लगेगा अगर किसी का नंबर सेव नहीं किए हुए हैं उसका वो उसको भेजना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर उसका नंबर लिख लेना है तो चलिए एग्जाम्पल के तौर तो पर यहाँ पर हम अजय कुमार को भेजना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मैसेज टाइप करने के लिए आ जाएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी लिंक को कॉपी किए हैं आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको सेंड कर देना है सेंड करने के बाद यहाँ से वो मैसेज चला जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चला गया है यहाँ पर वह जैसे ही इसको ओपन करेगा तो उसको यहाँ पर यह फोटो दिखने लगेगा अगर आप अपने मोबाइल के गैलरी से कोई भी फ़ोटो या वीडियो को भेजना चाहते हैं तो आपको गैलरी पर क्लिक करना है अगर आप यहाँ से किसी को भी डायरेक्ट फ़ोटो या वीडियो भेजते हैं तो यहाँ पर उनके पास नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैसेज में केवल आप किसी भी फ़ोटो या वीडियो का वहाँ पर आप लिंक भेज सकते हैं जिससे वह देख सकता है लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट किसी भी फ़ोटो को सेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो मोबाइल है वह सपोर्ट नहीं करता है कोई भी मोबाइल सपोर्ट करता है तो वहाँ पर चला जाएगा तो इस तरह से आप मैसेज के जरिए किसी को तो भी फोटो भेज सकते हैं यानी कि सेंड कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद